पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी इसी महीने जाती दिख रही है। इमरान खान की विदाई की तारीख पाकिस्तान की सेना ने तय कर दी है। पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारियों ने इमरान खान को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग के बाद इस्तीफा देने को कह दिया है। आपको बता दें ओआईसी की ये मीटिंग 22 और 23 मार्च को पाकिस्तान में होनी है। सेना की तरफ से यह बात कहने वालों में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भी शामिल। विपक्षी पार्टियों के चक्रव्यूह में भी इमरान खान फंस चुके हैं। उनकी कुर्सी जाना लगभग तय माना जा रहा है। विपक्ष इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है जिस पर वोटिंग होनी है, और इससे पहले ही सत्तारूढ़ पार्टी पीटीआई के 24 सांसद बागी हो गए हैं। पाकिस्तान सरकार हालात संभालने के बजाय बागी सांसदों को ही धमकी दे रही है कि वो सामने आ जाएं, वरना महीनों तक पार्टी के कार्यकर्ता उनका पीछा करते रहे। बागियों का आरोप है कि अविश्वास प्रस्ताव पर 21 मार्च को संसद सत्र बुलाना संवैधानिक तौर पर अनिवार्य है, लेकिन स्पीकर जानबूझकर देरी कर रहे हैं ताकि इमरान खान को सांसदों को डराने धमकाने या खरीदने का मौका मिल जाए। जबकि पाकिस्तान स्पीकर की दलील है कि नेशनल असेंबली में ही 22 और 23 मार्च को इस्लामिक सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन होना है। संसद सत्र बुलाने के लिए दूसरी कोई सुरक्षित जगह इस्लामाबाद में नहीं है, इसलिए 25 मार्च से पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती, जबकि विपक्षी पार्टियां 21 मार्च को ही संसद सत्र बुलाने पर अड़ी होंगी। पाकिस्तान में सत्ता का रास्ता सेना के कैंप से होकर ही गुजरता है। ये सबक इमरान खान ने क्रिकेटर रहते ही सीख लिया था। सत्ता मिलने के कुछ महीने बाद तक वो सेना के लिए एक ही तराना गुनगुनाते थे कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। हम सब फौजी बनना चाहते थे। विपक्षी दलों ने इमरान खान के खिलाफ जब मोर्चा खोला तो उनको भी अंदाजा था कि सत्ता बचाने के लिए वो पाकिस्तानी सेना का दरवाजा ही खटखटाएंगे। सेना को इमरान से दूर रखने की रणनीति के तहत विपक्षी दलों ने पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया था। तुम्हारी ना लायकी के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी ना अहली के बारे में पूछा जाता है, तो जल्दी से जाके फौज के पीछे छुप जाते हो, जल्दी से जाके फौज की वर्दी की पनाह ले लेते हो। डरपोक आदमी, तुम फौज को आलूदा करते हो। विपक्ष की यह रणनीति काम कर गई। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुलाकात की और उसी के बाद इमरान खान की पार्टी में खुली बगावत हो गई, जिसका एक ही मतलब था कि इमरान अब पाकिस्तान आर्मी के किसी काम के नहीं रहे। पाकिस्तान में 2018 के चुनाव से ठीक पहले नवाज शरीफ को जिंदगी भर के लिए अयोग्य घोषित किया जा चुका था और शरीफ खुलेआम आरोप लगा रहे थे कि ये जनरल बाजवा की साजिश है ताकि इमरान के सत्ता में आने का रास्ता साफ हो सके। जनरल बाजवा बदनामी का कड़वा घूंट पी गए, लेकिन इमरान खान ने उनके सामने नंबर बढ़ाने के लिए जो कांड किया उसे पाकिस्तान का इतिहास कभी नहीं भूल सकता। नवंबर 2019 में जनरल बाजवा रिटायर होने वाले थे और इमरान खान ने उनको 3 साल का एक्सटेंशन देने का ऑर्डर जारी कर दिया, लेकिन एक्सटेंशन का मामला बाजवा और इमरान दोनों के गले की हड्डी बन गया। विपक्षी दलों ने बाजवा के एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ाने को अवैध बता दिया। अपॉइंटमेंट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी चीफ व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सेंसिटिव अपॉइंटमेंट इन पाकिस्तान एंड दे हैव कंक्लूडेड इन अ मैनर दैट द पार्लियामेंट हैज बीन डायरेक्टेड टू इनेक्ट लॉ to regulate the terms and conditions of the services of Pakistan Army Chief and also he has been given extension for 6 months. पाकिस्तान के इतिहास में ये पहला मौका था जब आर्मी चीफ की खुलेआम भद्दपिटी, इज्जत बचानी थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द करने के लिए इमरान खान की सरकार ने संसद में कानून पास कराया और जनरल बाजवा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया। इमरान खान को लगा था कि जनरल बाजवा पर एहसान करके उन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा है और अब वो पाकिस्तान की सेना के भी बॉस बन जाएंगे। इसी मुगालते में उन्होंने अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के डायरेक्टर जनरल पद पर नदीम अहमद अंजुम की नियुक्ति पर रोक लगा दी।
इदारे जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं अपने कानून के मुताबिक, जब उनके कानून आप तोड़ते हैं और किसी शख्स के लिए चेंज करते हैं, जो जनरल मुशर्रफ ने किया, जो हर डिक्टेटर करता है, आप उस इदारे को तबाह करते हैं। एक पॉलिसी बता रहा हूं कि अगर इस मुल्क को हमने बचाना है, इदारे मजबूत करने हैं। इदारे तब मजबूत होते हैं जो अपने कानून के मुताबिक चलते हैं। जब आप उनको एक किसी एक इंसान के लिए कानून बदलते हैं। ये नियुक्ति जनरल बाजवा ने की थी। इमरान खान को बुरा लगा क्योंकि बाजवा ने उनसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा था। उसी के बाद जनरल बाजवा ने इमरान को उनकी हैसियत बताई। पाकिस्तान में तख्ता पलट के आसार दिखे तो इमरान के होश ठिकाने आ गए और पूरी सरकार सफाई देने में जुट गई कि पाक आर्मी के साथ कोई विवाद नहीं है। आईएसआई चीफ की नियुक्ति पर इमरान सरकार और जनरल बाजवा के बीच जो नौटंकी हुई, उसके बाद पाक आर्मी को समझ में आ गया कि इमरान पर दांव लगाना अब खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना को पर्दे के पीछे से कठपुतली सरकार चलाने की आदत है और इमरान स्मार्ट बनने की सनक में पहले ही पाक आर्मी को कई बार बेनकाब कर चुके थे। पुलिस का कोई इज्जत नहीं रहेगा, वो अपना काम कैसे करेंगे? ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आई हैव कंटेम्ड इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। जो मेरा सिविलियन हुकूमत का अथॉरिटी है वो तो अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन जहां ये इदारे भी जवाब दे हैं, मैं उनसे भी मुतालबा करता हूं कि आप जरूर इस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन। किसने उठाया आईजी को और किसने उसे जबरदस्ती जो है वो FIR दर्ज करवाई और किसने ज़बरदस्ती अरेस्ट करवाए, ये सब बातें जो है ना ये इतनी आसानी के साथ ब्रश असाइड नहीं की जा सकती। लिहाजा मैं तो काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि वो लोग जो कि शायद जिनकी तादाद बहुत कम होगी, जो तजब्ज़ुब का शिकार थे, आज मेरा ख्याल है उनको भी मालूम हो गया है कि जो नवाज शरीफ कहता है वो वाकई हकीकत पे मबनी है। मैं सिंध की पुलिस को शाबाश देता हूँ, जो जिन्होंने बहुत खुददारी और जिन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरी का सबूत दिया है और उन्होंने जो है वो आज इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया है। इमरान खान के फैसलों से पाकिस्तान के लोगों के सामने ही जनरल बाजवा की इतनी फजीहत हो चुकी थी कि उन्होंने इमरान को उनके हाल पर छोड़ना ही बेहतर समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी इसी महीने जाती दिख रही है। इमरान खान की विदाई की तारीख पाकिस्तान की सेना ने तय कर दी। चार दिन के मेहमान इमरान का खेल खत्म। कुर्सी पर मंडराया खतरा तो भारत याद आया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के पैरों तले जो थोड़ी बहुत जमीन बची थी अब वो भी खिसक चुकी है। पाकिस्तान का विपक्ष तो इमरान के खिलाफ लामबंद था ही, अब उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बगावत हो चुकी है। आलम यह है कि जब कुर्सी पर खतरा मंडराया तो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को भारत याद आया। इमरान खान ने हिंदुस्तान की तारीफ में जो कसीदे पढ़े वो आपको भी हैरान कर देंगे। मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी मेरे लोगों की बेहतरी में हो, साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शन लगी हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। इन दोनों के दौर में, इन डाकुओं जब 10 साल ये इक्तदार में थे तो इनकी पॉलिसी हमारे लिए नहीं थी। दरअसल पाकिस्तान संसद की 342 सीटों में बहुमत के लिए मैजिक नंबर 172 है। विपक्ष की मोर्चाबंदी से पहले इमरान खान ने 179 सांसदों के समर्थन का दावा किया था। वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन के पास अपने 162 सांसद हैं और उनका दावा है कि इमरान खान की पार्टी के 28 सांसद उनके संपर्क में हैं। इमरान ने खुद कबूल किया कि उनकी पार्टी के 13 सांसद बागी हो गए हैं। इस हिसाब से इमरान खान के पास सिर्फ 166 सांसद बचे हैं। उनकी सरकार गिरना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल चल रही है और वैसे भी पाकिस्तान में सेना ही सरकार होती है और आर्मी चीफ उस सरकार के सरदार होते हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।